कैसे हैं आप सब? आई एम योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम द ट्रस्ट स्कूल लाहौर। आई विल टीच यू सम टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स डिस्कस द वैल्यू ऑफ वीक। वैल्यू ऑफ द वीक इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। मैसेज ऑफ द डे इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग टू वट अदर अनदर हैज टू से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बताई जा रही होती हैं आपके अच्छे के लिए, लेकिन आपको वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो रिस्पेक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन बातों को देखें, सुनें और समझें कि उन बातों के कहने का आपको क्या मकसद है। और अगर आपको वो कोई बड़ा आपसे कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए बहुत अच्छी, आपकी भलाई के लिए ही बातें की जा रही हैं। ये एक पिक्चर है, इससे मैं सिर्फ ये शो करवाना चाह रही थी कि आपको समझ आ जाए कि रिस्पेक्ट डजंट मीन कि हमने अपने बड़ों की ही रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि हमें अपने से छोटों को भी उसी तरह से इज्जत देनी है जिस तरह से हम अपने बड़ों को इज्जत देते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम किसी को इज्जत देंगे तभी हम दूसरे से इज्जत ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत से याद रख के आपका नाम इज्जत से लें, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें। फैक्ट ऑफ द डे इज अ टी स्पून ऑफ हनी इज द लाइफ वर्क ऑफ 12 bees। 12 bees के काम करने लाइफ वर्क से आपके पास हनी का 1 teaspoon आता है। और मैंने फिर से एक वर्क से रिलेटेड फैक्ट ऑफ द डे क्यों सिलेक्ट किया है, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमारे पास ये टॉपिक्स थे, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एफिशिएंसी एंड पावर। लास्ट टाइम हमने वर्क के बेसिक्स, यूनिट्स, एनर्जी को डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने पहले भी पढ़ा है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी वजह से जो भी आप एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल से अगर हम बात देखें तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इट मीन्स वो क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। और वर्क डन हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। और काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है, काइनेटिक के एनर्जी ई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल के आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, इट इज इक्वल्स टू वी। जो आपके पास वी एफ है, बॉडी मूव कर रही है, हमने स्टॉप करने की भी बात नहीं की, तो वी एफ इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे कि हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ, तो यहाँ से हम अगर बॉडी के मूव करते हुए उसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो ए इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम। ये नेगेटिव साइन क्यों है, जैसे आपको पता है मैं हमेशा आपको होमवर्क में ऐसे क्वेश्चंस देती हूँ ताकि आप कुछ सोचें, तो ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों है। ये कौन सी इक्वेशन है, आप जरा सोचें इसके बारे में। 2as is equals to vf square minus vi square, it's third equation of motion। इसमें अगर हम values को substitute करना शुरू करें तो 2 वैसे ही आ जाएगा, a की जगह हमारे पास है minus f over m, और ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, वी एफ इज इक्वल्स टू जीरो और माइनस वी आई स्क्वायर एंड इट्स इक्वल टू वी वेलोसिटी स्क्वायर। ये अगर हम सॉल्व करें तो 2 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 1/2 माइनस एफ ओवर एम में एफ डिवाइड हो रहा है यहाँ के, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी स्क्वायर। तो वी आर लेफ्ट विद एफ इंटू एस इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। और स्टार्टिंग में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था कि डेट एफ इंटू एस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, सो वी आर लेफ्ट विद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। जब भी कोई बॉडी पोजिशन की वजह से, मीन्स इसमें बहुत डिफरेंट पोजिशन आ सकती हैं, बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, बॉडी में ये देखें यहाँ पे हमने एक बो एरो की एग्जाम्पल ले ली है, इस तरह की कोई पोजिशन बन रही है, या आप कोई यहाँ पे मैंने हैमर की एग्जाम्पल ले ली है, तो किसी भी किस्म की जब पोजिशन का आपके पास आ जाएगा तो उस एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या कह रहे हैं,
ऑब्वियस सी बात है बॉडी मूव कर रही है, इट मीन्स उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और पोजिशन की वजह से उसमें कोई हाइट डिक्लेयर हो रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ इन टू एच, और वो फोर्स उसकी इस टाइम पे किसके इक्वल है, उसके वेट के. तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन टू एच विच इज इक्वल्स टू एम जी एच. देन इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक बड़ा प्यारा सा स्टार में आपकी बुक में भी एक्सप्लेन हुआ है. देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल, साउंड एंड हीट एनर्जी. बहुत सिंपल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है. स्टार्ट विद मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजिशन. यहाँ पे मैंने एक वाटरफॉल की या वाटर मिल की एग्जाम्पल ली है कि इसमें आपके पास दिस मिल इज मूविंग, और ये किसकी एग्जाम्पल आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की विच इज पोजिशन, और पानी जो है अपर टू लोअर मूव कर रहा है. तो ये किसकी एग्जाम्पल आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी की, मोशन की. तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. Then it's heat energy. Heat energy is given by the hot bodies. Bestest examples में मुझे दो examples बहुत अच्छी लगी हैं. आपके पास heat का जिक्र आ रहा है तो burning fuels and sun. तो मैंने यहाँ से sun is the main source of heat energy. Then it's electrical energy and sound energy. Simple है, जब भी आपके पास electricity से related, voltage से related, current से related energy produce हो रही होगी, उस energy को क्या कहेंगे, electrical energy. साउंड एनर्जी डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स देख रहे हैं साउंड एनर्जी की, ड्रम बीटिंग, विसल, और आप बेस टाइम पे जो मैं बोल रही हूँ दैट इज ऑल्सो साउंड एनर्जी. देन इट्स लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी, जब भी आपके पास लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी तो उस तरह से आपके पास क्या, कौन सी एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं लाइट एनर्जी. केमिकल एनर्जी, बहुत सिंपल सिंपल सी एग्जाम्पल्स है सारी की. देख, केमिकल एनर्जी हम डेली लाइफ में देख रहे हैं, वी नो अबाउट द ड्राई सेल, जिसको आप आम जुबान में सेल भी बोलते हैं. उस सेल के अंदर जो एनर्जी यूज हो रही है, डैट इज बेसिकली अ केमिकल एनर्जी. हमारी बॉडी में भी हर टाइम केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उन केमिकल एनर्जी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो एक कहते हैं कि सोर्स है हमारे पास, वो क्या है, हम डेली बेसिस पे जो खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. Then it's nuclear energy. Nuclear energy, energy released in the form of nuclear radiations due to nuclear reactions. There are two types of nuclear reaction, fission and fusion. Fission means breaking, ब्रेक आउट, किसी चीज़ का टूट जाना. जैसे इस फिगर में मैंने आपको शो करवाया है कि वी आर, जैसे इसमें एक यूरेनियम एटम है, यूरेनियम एटम जो है वो ब्रेक हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रेक हो रहा है इनटू सब इट्स आइसोटॉप, सो ये ब्रेक हो रहा है और हमारे पास एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास, फिशन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन मीन्स टू ज्वाइन, जुड़ जाना. जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आके मिलते हैं और आपस में एक एटम फॉर्म कर देते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, फ्यूजन रिएक्शन. और सबसे बेस्टेस्ट एग्जांपल इसमें फिर से क्या आ जाती है, सन एनर्जी. फॉर द लास्ट बिलियन ईयर्स इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. हर टाइम सन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें सन एनर्जी रिसीव हो रही है ऑन डेली बेसिस. इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये बहुत ईजी, बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत ईजी लगेगा. किस तरह, सिंपल से एग्जाम्पल ली हुई है, साइक्लिस्ट की एग्जाम्पल ली हुई है इसमें. साइक्लिस्ट इज मूविंग फ्रॉम लोअर बॉटम ऑफ द हिल टू द अपर बॉटम एंड देन अगेन टू द लोअर बॉटम. इसमें क्या है, जब वो मूव कर रहा है, इट्स फ्रॉम लोअर टू हायर एंड, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो मूव करता हुआ काइनेटिक एनर्जी को यूज करता हुआ अपर पोजीशन पे गया है. तो बेसिकली दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. देन वो अपर पोजीशन पे चला गया है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी. और फिर पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए इट्स अगेन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी. तो ये ओवरऑल पोजीशन में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज को यूज कर रहा है. काइनेटिक इस तरह से कि ये मूव करने के लिए, और फ्रॉम लोअर टू अपर पोजीशन पे मूव करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी. देन अगेन इट्स सम ऑफ योर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो इस तरह से ये है आपके पास इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी एक फॉर्म से काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एक बड़ी अच्छी सी मुझे डायग्राम मिली थी,
एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. एक तरह से आप इसको सम अप भी कह सकते हैं लेक्चर का. पोटेंशियल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में आपके पास ग्रेविटी की एग्जांपल आ जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस 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 फॉर्म. एंड काइनेटिक एनर्जी में आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल, साउंड, थर्मल. साउंड एनर्जी की अगर मैं आपको जनरल समझाने के लिए बताऊँ तो आप जब बोल रहे हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं और ये एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर जा रही है, मतलब मेरी आवाज़ किसी दूसरे तक पहुँच रही है, तो इट्स बेसिकली काइनेटिक एनर्जी. आई होप आपको सारा लेक्चर क्लियर हो गया. मैंने इसको बड़ा ब्रीफली इसको बहुत सम अप करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं.